ना क्यों भाभी को गलत बना रही हूँ मैं? गलत कहाँ बना रही हूँ? गलत तो हम सब हैं, मैं जो बोला वही दुश्मन। यही होता है हर रिश्ते के पीछे। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज, आप सबको अच्छा लगेगा। कर लो तो आज बारिश हुआ था हमारे यहाँ, सब लोग अंदर आए थे सोने के लिए, गुंजन शीतल, नहीं तो बाहर हम सब सोते थे। यहाँ पर चंदन के पापा ले जा रहे हैं चारपाई वहाँ पे रखने के लिए, तो वहाँ पर चारपाई रख दिए हैं। बाकी ये सब पंखे लगे हैं, सब साइड करते हैं और यहाँ का सफाते हैं, सब साफ सफाई करते हैं। अंजलि अंजलि वहाँ सो के उठी खड़ी है, तो यहाँ कोने का सफाई कर रहे हैं। सारा पौधा निकालेंगे यहाँ से, मिट्टी को कम करेंगे क्योंकि यहाँ पर पौधा चल नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर छांव आ जाता है, इसीलिए पौधा और नहीं चलता है। तो सारा पौधा निकाल दे रहे हैं, सारा पौधा लगा है, सब निकालेंगे यहाँ से। अब बरसात आने वाला है तो गेंदा का फूल लगाएंगे और एलोवेरा जो है और उसको गुलाब को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इतना सारा पौधा निकाल दिए हैं सब, ये सब पौधा चल नहीं रहा है इसीलिए निकाल रहे हैं। सभी दीदी का प्रणाम है। तो सब लोग अपना काम करने में लग गए हैं। तो यहाँ पर सारा कपड़ा फैला दी हूँ धूल दी थी, आज लाइट भी नहीं आया और यहाँ का पूरा साफ सफाई हो गया सब। यहाँ चंदन को उठवा देती हूँ, इतना सारा ये निकला जो बिना काम का था। नींबू का पौधा कहीं लगा दो चंदन वहीं पे, नमस्ते उठाओ। तो सारा आज निकाल दिए चंदन, जो पौधा नहीं लगाना था फैला चुकी हूँ थोड़ा सा और बाकी फैलाने के। यहाँ कपड़ा पूरा फैला चुके हैं, तो हम कपड़ा धोने में वहाँ साफ सफाई करने में लगी थी। चंदन के पापा वहाँ क्यारी बनाए, यहाँ पर हम सब चाय पीने जा रहे हैं। अंजलि हमारी चाय आज नहीं पिएगी, आ नहीं पीना है तो चाय पहले से पी ली। तो यहाँ पर हम चाय पी रहे हैं, अंजलि बैठ के देखेगी, अपना हिस्सा पी ली है ना। तो यहाँ काली चाय बना था, यही पी रहे हैं हम सब। तो हम सब चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं। यहाँ चांदनी भी आ गई, चांदनी भी नहीं चाय पी थी। दोस्तों यहाँ पर बैगन खड़ा हुआ, बैगन को तोड़ लेते हैं। चीटियाँ सब लसी ही हैं इसमें बैगन में, तो यहाँ पर तोड़ के रख रहे हैं। अंजलि वाली चीटी सब लगी है यहाँ पर, बैगन तोड़ के रख रहे हैं। तो यहाँ से बैगन तोड़ रहे हैं, एक बैगन देखिए इतना बड़ा यहाँ पर हो गया नदी के, तो इतना बड़ा बैगन यहाँ पर फरा हुआ है। तो यहाँ पर चंदन अरबी लाए हैं, करीब 1.5 किलो अरबी है, तो यहाँ झोले में तोड़ के रख रहे हैं। तो दिखा दो नदी से अरबी को, देखिए कुछ इस तरह, तो कुछ इस तरह रहता है अरबी, इसको तोड़ना पड़ता है, इसमें जड़ भी रहता है। तो बाजार में इसी तरह साफ करके अरवी मिलता है, ये देखिए। तो यहाँ मैं तोड़ के रख रही हूँ, तो अरवी को यहाँ पर रख दी झोले में। तो दोस्तों दोपहर का टाइम है, हम सब खाना खा लिए हैं, बच्चे भी सब लोग खाए चले गए खेलने। तो आप सब भी बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा गांव में मत भेजा करो, खेलने मत भेजा करो, तो कोई बात नहीं, यही हमारे पड़ोस में भी रहती हैं, हमारी जिठानी की लड़की हैं दो, तो उनके भी साथ में रहती हैं, बगल में लड़कियां हैं तो उनके भी साथ में रहती हैं। पहले मैं वीडियो में दिखाया करती थी आप सबको, और कई लोग बोले हैं भाभी के बारे में, इतना क्यों भाभी को गलत बना रही हूँ मैं? गलत कहाँ बना रही हूँ?
गलत तो हम सब हैं एक तरफ मान के चलिए, अब तो भैया भी ठीक हो गए, भाभी भी सही हो गई, बीच में जो बोला वही दुश्मन, यही होता है हर रिश्ते के पीछे। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत हम सब खुश हैं कि भाभी भैया का घर बसेगा, बस और कुछ नहीं। मैं जब उस बीच में भैया जब गायब हुआ था तो उस बीच में मैं थोड़ा सोच में पड़ी थी कि कहाँ गया, क्या हुआ, कहीं टेंशन में आकर कुछ गलत कदम ना उठा ले। तो भी फिर बाद में मैं जब सुनी कि वो शहर चले गए हैं दोनों लोग, तो सच बताती हूँ पहले हमें बहुत खुशी हुई कि अच्छा हुआ वो सब चले गए। और मैं मायके भी गई थी, ज़रूरी काम से गई थी, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा था वैसा था, गई थी भाभी का मजाक उड़ाने, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, मजाक थोड़ी बनाई, जो बात था वही आप सबसे बताई। तो कल वाले वीडियो में बताएंगे कि मायके में गई क्यों थी, ये भी सवाल है। तो यहाँ शाम के खाने में बन रहा है चावल, यहाँ पर चावल गुंजन शीतल साफ कर रही है, गुंजन यहाँ पर शिमला मिर्च काट रही है। गुंजन कितना है शिमला मिर्च? आधा किलो। हाँ आधा किलो शिमला मिर्च है, तो कटाई हो रहा है शिमला मिर्च का। यहाँ पर सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, बिस्तरा निकाल के रख दी हूँ, अभी बिस्तरा लगाएंगे सब। गुंजन काट रही है, शीतल चावल साफ कर रही है। बिल्ली यहाँ छत पे चढ़ी हुई है, देख रही है, कुछ शिकार लगा रही है, अपना शिकार में है, ये देखिए अपना निशाना बना रही है, जूम कर दी हूँ यहाँ पर। और देखिए कितना ये दीवार में ईंटे के कलर में छिप जा रही है, हीले डूले ना तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर बिल्ली है। यहाँ रात हो गया है और देखिए इधर साइड कितना अंधेरा दिख रहा है, तो कुछ इस तरह रात हुआ है। शिमला मिर्च यहाँ पर रख देती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। तो शिमला मिर्च को चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, तो चलाते हुए इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। लेटर खराब हो गया, माचिस से जला रही हैं यहाँ पर, और इसी कढ़ाई में सारा सब्जी फ्राई की थी, फ्राई कर देते हैं। मसाला घोल ली हूँ, तो ये पूरा मसाला नहीं है, लहसुन मिर्ची और प्याज का पेस्ट है। तो तेल गरम हो रहा है, घोल ली हूँ, तो यही सब्जी बनेगा। चावल पक गया है, अच्छी तरह से ढक देते हैं। तो यहीं पे डाल देते हैं मिर्ची और लहसुन को, भून गया है, यहीं पे मसाला को डाल देते हैं। तो तड़का बिल्कुल भूने नहीं है, मसाला को डाल दी हूँ, तेल में कसूरी मेथी नहीं डाली, थोड़ा सा वैसे डाल दी ऊपर से। यहाँ पर चलाते हुए मसाला को अच्छी तरह से भून ली हूँ, तो थोड़ा आलू को चलाते हुए मिला लेते हैं मसाले में। आलू को अच्छी तरह से मसाले में मिला दी यहीं पे। तो यहाँ पर नमक डाल देते हैं, बीपी लो का शिकायत रहता है, तो थोड़ा नमक सब्जी में ज़्यादा ही डाल रहे हैं, तो एकदम से ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ। यहीं पर माइक्रोनी मसाला, जो मैगी मसाला बोलती हैं, उसको भी डाल दी। दोस्तों लाइट हमारे यहाँ का चला गया है, बहुत धुंधला वीडियो दिख रहा है, अभी ये लाइट आएगा तो खाते हुए दिखाएंगे, नहीं तो यहाँ पर बना रहे हैं रोटी, सब्जी हमारा बन गया है, देते हैं रोटी को। और हमारी सब्जी कुछ इस तरह बना है, देखिए ना तो ज़्यादा सूखी है ना तो ज़्यादा गाढ़ी है, तो कुछ इस तरह सब्जी बन के तैयार हुआ है। तो यहाँ पर बेल रहे हैं, रोटी को पलट दी हूँ, यहाँ पर फुला रही हूँ, तो ये भी रोटी की तरह फूल जाता है। तो यहाँ पर हम रोटी बना रहे हैं पराठा, उधर गुंजन निकाल रही है खाना, चावल निकाल दे, सब्जी निकाल देते हैं सब्जी में, बहुत अच्छा खाना। शाम का खाना बन चुका है, हम सब जा रहे हैं खाने, मजे खा लीजिए। तो अंजलि नहाई थी, बाल में कंघी नहीं की, और
वीडियो में शिकायत काफ़ी आता है कि गुंजन से काम करवाती हो, शीतल से करवाती हो, खाना नहीं बनाती। तो दोस्तों ये सब मदद कर देती हैं, थोड़ा तबीयत खराब रहता है, बाकी जब टाइम मिलता है हम ही कर लेते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं, कई भाई बहन बोले हैं बच्चों को काम सिखाना ज़रूरी होता है, उनको काम करना आना होता है, क्योंकि पूरा दिन थोड़ी ना काम तो पूरा दिन थोड़ी ना काम किया जाता है, टाइम टाइम से किया जाता है। तो सभी भाई बहन को तहे दिल से धन्यवाद जो आप सब इतना समझते हैं। जो भाई बहन सच कहते हैं, पढ़ाई लिखाई पे बच्चों को ध्यान तो रखना चाहिए, ज़रूरी है। आप सब भी अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी के हाथों सब करना पड़ता है। तो वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।